नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। केजरीवाल ने कहा कि ISI जो 60 सालों में नहीं कर सकी वह भाजपा ने किया। मोदी ने कहा कि चुनाव एक साथ होने से संसाधनों पर अवांछित बोझ नहीं पड़ेगा। कुमार विश्वास ने कहा कि आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने के लिए सही रास्ते को ढूंढना होगा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 49% मतदान। मुक्केबाजी में भारतीय लड़कियों ने युवा विश्व चैंपियनशिप में जीते 5 स्वर्ण पदक। सीरिया में IS के ठिकानों पर रूसी बम वर्षक विमानों के हमले। श्रीनगर में अलगाववादियों के प्रदर्शनों के मद्देनजर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। मिस यूनिवर्स के खिताब से भारत चुका, दक्षिण अफ्रीकी सुंदरी ने जीता खिताब। शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में गिरावट। पूर्वोत्तर रेलवे के मुताबिक कोहरे के कारण 2 माह के लिए 8 ट्रेनें रद्द। अलीगढ़ में RSS नेता के भाई की गोली मारकर हत्या। पाकिस्तान में हिंसक झड़पों के बाद कानूनी मंत्री ने दिया इस्तीफा। वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन के लिए मंच तैयार, सबकी नजरें इवांका पर। बाली में ज्वालामुखी को लेकर अलर्ट उच्च स्तर पर, हवाई अड्डा बंद।